तो गाइस आज भी मैं आप लोगों के लिए बहुत अमेजिंग वीडियो लेके आया हूँ, अमेजिंग कंटेंट लेके आया हूँ। आज का जो मेरा कंटेंट है उसका नाम है विंग्स फॉर फ्लाई। तो आज जो मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड करूंगा वो एक विंग्स की फाइल होंगी। इसके अंदर आप अपनी फोटो को बिल्ड करके बहुत ही अच्छा एक लुक दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा एक डिजाइन कर सकते हैं। कैसे कैसे आपको काम करना है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, कैसे आप मैनिपुलेट करेंगे, कैसे एडिट करेंगे, वो सारी चीजें मैं आपको वीडियो में आगे जाकर सिखाने वाला हूँ। तो प्लीज वीडियो को पूरा जरूर वॉच करें, छोटा सा वीडियो होगा पूरा जरूर वॉच करें आप। और इसी टाइप की यूनिक चीजें सीखने के लिए, यूनिक कंटेंट लेने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन आप जरूर दबाएं जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल सही टाइम पे पहुंच जाएगी। आपको स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर के थ्रू आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी टाइप के सॉफ्टवेयर को बाय करने के लिए बहुत ही ज्यादा चीप प्राइस में। अगर आपका सब्लिमेशन का बिजनेस है, या फिर एल्बम डिजाइनिंग करते हैं, या फिर वीडियो मिक्सिंग करते हैं, या फिर आपका इंडोर फोटोग्राफी करते हैं, फोटो एडिट वगैरह करते हैं, तो किसी भी टाइप के कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी कैटेगरी के सॉफ्टवेयर के लिए बहुत ही ज्यादा चीप प्राइस में आप मेरे से बाय कर सकते हैं। उसके लिए आपको व्हाट्सएप का कॉन्टैक्ट नंबर दिया जा रहा है स्क्रीन के ऊपर, इस नंबर के थ्रू आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके आप किसी भी टाइप के सॉफ्टवेयर की जानकारी ले सकते हैं, किसी भी टाइप के सॉफ्टवेयर बहुत ही ज्यादा चीप रेंज में बाय कर सकते हैं। तो गाइस अभी हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा चलते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेंटीरो चैनल, मैं हूं आपका दोस्त सेंटीरो। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहां पे मैंने रखी हुई है विनार की फाइल, ये फाइल आपको डाउनलोड करनी है, लेकिन डाउनलोड करने से पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, एक अच्छा सा कमेंट करना है, उसके बाद लिंक के ऊपर क्लिक करके आपको डाउनलोड करना है। तो मान लेते हैं आपने इसको डाउनलोड कर लिया, आप इसको एक्सट्रैक्ट करोगे, एक्सट्रैक्ट करने के लिए राइट क्लिक करोगे, एक्सट्रैक्ट फाइल लिखाएगा उसके ऊपर क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पे आपको एक छोटा सा पैनल आ जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ ओके, ओके के ऊपर क्लिक कर दोगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपकी फाइल वो एक्सट्रैक्ट हो रही है, बहुत जल्दी एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, बहुत छोटी सी फाइल है। तो यहाँ पे जो मेरी फाइल है वो ऑलमोस्ट एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। एक्सट्रैक्ट होने के बाद आपके पास ये वाला फोल्डर आ जाएगा, इस फोल्डर को मैंने यहाँ पे रख दिया। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये तो विंडार की फाइल वो है जो कि आपने मेरे दिए लिंक से डाउनलोड करी थी। डाउनलोड करने के बाद आपने इसको एक्सट्रैक्ट किया तो आपको ये वाला फोल्डर आ गया। तो सबसे पहले मैं आपको फोल्डर के अंदर लेके जा रहा हूँ। फोल्डर के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको एक फोल्डर और दिखाई दे रहा होगा। इस फोल्डर के अंदर चलते तो यहाँ पे आपको काफी सारी कलरफुल फाइल्स दिखाई दे रही होगी जो कि अभी हम लोग अपनी एडिटिंग के लिए यूज करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको गूगल क्रोम के कुछ URL दिखाई दे रहे होंगे, ये मेरी वेबसाइट के हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो इस वाले लिंक के ऊपर आप क्लिक करके मेरी वेबसाइट पर जंप कर सकते हैं। वहाँ पे आपको काफी सारी चीजें सीखने के लिए मिलेगी, काफी सारे कंटेंट मिलेंगे जिससे कि आपकी हेल्प होगी। तो एक बार मेरी वेबसाइट पर आप जरूर जाएं। तो यहाँ पे जितने भी कंटेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं इसके ऊपर हम लोग एडिटिंग करेंगे। इसके लिए चाहिए आपको फोटोशॉप। फोटोशॉप आप कोई भी वर्जन यूज़ कर सकते हो, फोटोशॉप 7 से लेकर CC 2024 तक आप यूज़ कर सकते हो। मैं जो आपको काम करके दिखाऊंगा वो फोटोशॉप CS6 के साथ दिखाऊंगा। मैंने यहाँ पे फोटोशॉप CS6 को ओपन करके रखा हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कोई सा भी एक फाइल को ड्रैग करके फोटोशॉप में लेके जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से जस्ट मैं लास्ट वाली फाइल को ड्रैग करके फोटोशॉप में लेके जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसको छोड़ देता हूँ, यहाँ पे मैंने छोड़ दिया, ओके है। अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे एक फोटो को लेके आऊंगा। फोटो के लिए मैं जा रहा हूँ फाइल पे, प्लेस पे जा रहा हूँ। आपके पास फोटो कटिंग करके रखी होनी चाहिए पहले से, तो आप उसको यूज करेंगे। अगर नहीं है तो आप कटिंग करके रख लेंगे। तो मेरे पास काफी सारी फोटो कटिंग करके रखी हुई है आप लोगों को समझाने के लिए। तो यहाँ से मैं कोई से भी एक फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो एक फोटो को मैंने सिलेक्ट कर लिया, मेरी फोटो यहाँ पे आ गई है, बैकग्राउंड लेस है। अब मैं इसको बढ़ा लेता हूँ, ये मैंने इतना बढ़ा लिया और मैंने इसको यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे मैंने रख दिया। ये मेरा सेट हो चुका है ऑलरेडी। अब मुझे बैकग्राउंड सेट करना है। तो बैकग्राउंड के लिए मैं क्या कर रहा हूँ आप नोटिस करना, ठीक है। यहाँ पे जो लेयर है इसकी, ये 01 ली, इसकी मैं कॉपी बनाऊंगा। कॉपी बनाने के लिए कंट्रोल जे पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, मतलब अपने कीबोर्ड से, तो कॉपी बन गई। ये मेरी बैक लेयर है। अब मैं यहाँ पे एक नई लेयर ले लेता हूँ, यहाँ से मैंने क्लिक कर दिया, एक नई लेयर आ गई। इस पर लेयर को ऊपर उठा के रख दिया और यहाँ पे मैं व्हाइट कलर ले रहा हूँ, ठीक है। तो व्हाइट कलर आपको पता ही है कि कैसे लेना है, व्हाइट कलर आपके पास होना चाहिए। ये बैक में मैंने व्हाइट कलर कर दिया है। अब मैं इस वाले विंग्स को क्लिक करके रखा है, मैंने कंट्रोल टी कर लिया है और मैं इसको बढ़ा लेता हूँ ऐसे करके। ये मैंने इतना बढ़ा लिया, ऐसे रख दिया। अब मैं इसको ब्लर करूँगा। ब्लर करने के लिए मैं जा रहा हूँ फिल्टर पे, ब्लर पे जा रहा हूँ। ब्लर पे जाने के बाद गोशन ब्लर जो लिखा था उस पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे ये आपकी फाइल है। ये आप इसको कुछ ढंग से कर सकते हो, ठीक है। कम करना है तो कम कर सकते हो, ज़्यादा करना है ज़्यादा कर सकते हो। ये आपने इतना कर दिया, इतना कर दिया, ओके कर देते हैं। ये इतना हो गया। अब पीछे का जो बैकग्राउंड है वाइट की जगह पे आप ब्लैक भी कर सकते हो, ब्लैक मैंने कर दिया। ये आपको कुछ ऐसे दिखाई दे रहा होगा, अभी अच्छा दिखाई दे रहा है। या फिर इसको हटा दो, या फिर कलरफुल बैकग्राउंड ही डाल दो। आप कैसे डालना है वो बता रहा हूँ। कोई सा भी बैकग्राउंड लेके आओ आप यहाँ पे प्लेस पे क्लिक करके। मैं एक नॉर्मल सा बैकग्राउंड लेके आ रहा हूँ, आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंगली अपना बैकग्राउंड लेके आएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक ब्लू कलर का बैकग्राउंड सेलेक्ट कर दिया है, उसको मैंने बड़ा कर दिया कुछ ऐसे करके और डबल क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका बैकग्राउंड ऑलरेडी सेट है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा होगा। अगर आप इसको भी एडिट करना चाहते हैं, ब्लर करना चाहते हैं, तो आप इसको ब्लर कर सकते हैं। फिल्टर पर जाएंगे, ब्लर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप इस ढंग से ब्लर कर पाएंगे, ठीक है। देख सकते हैं ब्लर मान लेते हैं कि कर दिया, ओके कर देते हैं। कलर चेंज करना चाहते हो आप ह्यूज खोल लो अपने बैकग्राउंड के ऊपर ही, बैकग्राउंड को सेलेक्ट करके रखो, अपना ह्यूज ओपन कर लो। ह्यूज ओपन करने के बाद यहाँ से आप कलर मैनिपुलेशन कर सकते हो। यहाँ पे ये ऑप्शंस हैं, जिसके मान लेते हैं कि ये रख देते हैं, ओके कर देते हैं। तो ये भी अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके अंदर और भी चीज़ कर सकते हो, जैसे कि बैकग्राउंड कलर व्हाइट कर दिया, ये वाला लेयर को सिलेक्ट करके रखा, और ऑपोसिटी आपकी जो है वो डाउन कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो। तो इसी ढंग से आपकी एडिटिंग होगी। अभी अगर आपको विंग्स चेंज करने हैं तो विंग्स पर क्लिक करो, ऑफ कर दो, और यहाँ से कोई दूसरा विंग्स आप लेके आ सकते हो प्लेस पर क्लिक करके।
तो मैं कोई दूसरे विंग्स लेके आ रहा हूँ, आप यहाँ पर ध्यान देना। यहाँ से एक मैंने ये वाले विंग्स को सिलेक्ट कर लिया, मेरा विंग्स यहाँ पे आ गया, मैंने सेट कर दिया। ये अच्छा लग रहा है तो ठीक है, नहीं अच्छा लग रहा तो आप इसको भी डिसेबल कर दो और फिर से कोई दूसरे विंग्स लेके आते हैं हम लोग। जैसे कि जस्ट लाइक मैं यहाँ पे एक व्हाइट कलर के विंग्स लेके आ रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये कर लो। मैंने इस विंग्स को भी बंद कर दिया है, मैं फिर से जा रहा हूँ प्लेस के ऊपर, कोई दूसरा विंग्स डाल के दिखाता हूँ आपको। जस्ट ये कलरफुल है बहुत ज़्यादा, इसको डालते हैं। ये मैंने डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। इमेज चेंज करनी है, आप अपनी इमेज पे क्लिक करो, इमेज को डिसेबल करो और यहाँ से अपनी कोई दूसरी इमेज लेके आओ। तो मैं यहाँ पे एक इमेज डाल के दिखाता हूँ, फिर हम लोग वीडियो को स्टॉप करेंगे। मैंने एक अपनी इमेज सेलेक्ट कर ली है, बहुत छोटी इमेज है लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा बढ़ा लेते हैं। ये मैंने इसको यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर मैंने सेट कर दिया। अभी भी देख सकते हो विंग्स अपने हिसाब से चेंज करो। विंग्स तो मैंने काफ़ी सारे डाल ही दिए थे, जो भी आपको अच्छे लग रहे हैं वो यूज़ कर सकते हो। बहुत ही प्यारा कंटेंट है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत इजी एडिटिंग है। अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अच्छा से कमेंट जरूर करें। इसी टाइप की यूनिक चीज़ें सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप जरूर दबाएं और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करें, जिससे कि आपके फ्रेंड लोग भी सीख सकेंगे। तो गाइस मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ।